हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू कॉमिक्स। मैं हूं आपका होस्ट मनीष और आज मैं करने वाला हूं इस चैनल पर एक बहुत ही धमाकेदार अनबॉक्सिंग। सो हियर इज अ पैकेज वेइंग मोर देन 8 किलोग्राम्स और अभी हम करने वाले हैं इसका अनपैकिंग। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट ऑन विथ इट। So guys, as you can see, we are done with the unboxing part and now it's time for the overview, starting with all-in-one edition of Death Note. जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही popular Japanese manga series. इसका volume 1 में खरीदा था and after reading it, I was literally mind blown. So I went ahead and bought this all-in-one edition. And this whole order has been purchased from Vikram Thakur. He is a seller on Facebook. मैं उनका contact details नीचे description में दे दूंगा. So yeah, I have purchased this from him. I'm not gonna mention the prices and stuff because yeah, I got this pretty cheap. And I think this is a second-hand product, but it is in a very good condition, I must admit. So let's take a look inside. दोस्तों बहुत ही thick book है. I don't know the number of pages in this. But yeah, it's quite a voluminous book, I must admit. Artwork जैसा होना चाहिए वैसा ही है, manga style. Read from right to left, यानी कि पीछे से आगे की तरफ. Nice. And दोस्तों जो चीज मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर रहा है वो है इसका binding. As you can see, मतलब It's awesome. यहाँ पर कोई गटर लॉस भी नहीं हो रहा है. It's not very stiff. ऐसा नहीं कि पेजेस खुल कर आने का कोई चांसेस है. Just look at how well binded it is. And then there are some Indian publishers जो 30-40 साल से इंडस्ट्री में है but still they could not figure out how to, you know, do a proper binding. So that is very pathetic. और आप में से कुछ लोग समझ ही चुके होंगे मैं किस पब्लिशर के बारे में बात कर रहा हूँ. Yeah, I'm talking about Raj Comics. So, yeah, they should learn a couple of things. ये सब यथारूप को थोड़ा backseat में डालकर थोड़ा focus करना चाहिए कि कैसे एक standard quality में चीज़ों को publish किया जाता है. Content में तो ऊपर आने से रहे ये लोग, at least quality में आए. I genuinely do not want to start ranting on the cons of Indian comic book industry. So, yeah, फिलहाल ये रहा manga. Death Note all in one edition with fantastic binding and quality product. So yeah, इसको मैं पढ़ने वाला हूँ बहुत जल्द because as I said volume 1 में पढ़ चुका हूँ. There are I think a total of 10 volumes or so. I'm not quite sure. So yeah, I'll be finishing this real soon. Feels awesome in the hand. I wish you guys could hold it for a second. तो चलिए next there are some Gotham minis. ये जो छोटे Gothams है उनसे भी छोटा है. सो मैगी के साथ फ्री में मिलता था. टोटल आई थिंक 6 इश्यूज थे. मेरे पास फिलहाल ये 2 ही हैं, बाकी के भी कलेक्ट कर लूंगा. देन देयर इज एक्समैन इवोल्यूशन इशू नंबर 1. बस इशू नंबर 2 मिसिंग है इस सीरीज का. उसके बाद ये मेरा पूरा सीरीज कंप्लीट हो जाएगा एक्समैन इवोल्यूशन का. ये भी एक कलर्ड मांगा स्टाइल में है पूरा एक्समैन सीरीज. जैसे आप देख सकते हैं आर्ट स्टाइल पूरा मांगा वाला स्टाइल ही है, एनिमेश. So interesting, yeah. Then we have the House of Mystery issue number 1, a Gotham special issue, a classic story, horror genre ka, it seems so at least.
ओके सो आई थिंक देयर आर टू स्टोरीज इन दिस. या यहाँ से नया स्टोरी स्टार्ट हो रहा है, दैट्स इवन बेटर. नेक्स्ट, टार्जन और बैटमैन का एक अनोखा जुगलबंदी. इस सीरीज का भी आई थिंक यही एक इशू मेरा मिसिंग था, सो ये सीरीज भी कंप्लीट हो रहा है. कुछ 4-5 इशूज का मिनी सीरीज था ये. बेहतरीन डिटेल्ड आर्ट वर्क और एक बेहतरीन टीम अप बिटवीन द बैट ऑफ गॉथम एंड द किंग ऑफ द जंगल बैटमैन एंड टार्जन. इम्प्रेसिव स्टफ. नेक्स्ट, डेयर डेविल एंड द मार्वल नाइट्स एक सिंगापुर एडिशन. सो सिंगापुर एडिशन का स्पेशलिटी ये था कि ये ग्लॉसी में प्रिंटेड होते थे अनलाइक द इंडियन एडिशंस. सो जैसे आप देख सकते हैं इंडियन गॉथम्स ग्लॉसी में प्रिंट नहीं होते थे. एंड देयर इज मोर ओवर अ पोस्टर, लेट मी ओपन इट फॉर यू गाइस. डेयर डेविल का एक पोस्टर है ये. वाओ, गुड वन. देन वी हैव द इनक्रेडिबल हल्क इशू नंबर 30. आर्ट वर्क मुझे उतना अच्छा नहीं जम रहा है इसमें. देन वी हैव अ नॉवल बाय द सेलर हिमसेल्फ. सो विक्रम ठाकुर इज अ राइटर एज वेल एंड ये है उनका एक प्रोजेक्ट जिस पर वो बहुत पहले काम किए थे. वाओ, एकदम ऑथर साइंड आया है दोस्तों. टू मनीष भाई विथ लव, विक्रम ठाकुर. सो दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग रीड. एंड दोस्तों, विक्रम ठाकुर हैज बीन अ कॉमिक बुक सेलर फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम नाउ, बट देर आर सम इशूज विथ गेटिंग द प्रोडक्ट्स राइट, बिकॉज ऐसे भारी भरकम ऑर्डर्स में कभी कभी वो गलती से एक दो बुक्स इधर उधर कर देते हैं. मतलब आई हैव ऑर्डर समथिंग बट ही हैज मिस्टेकनली सेंट मी समथिंग एल्स. सो ऐसे काफी बार हो चुका है. सो इफ यू आर अ वन टाइम बायर देन आई थिंक यू शुड अवॉइड, बट आई एम हियर फॉर द लॉन्ग रन एंड ही इज अ ग्रेट गाय दोस्तों. आई मस्ट एडमिट दैट बिकॉज हाफ ऑफ माई मार्वल एंड डीसी कॉमिक बुक कलेक्शंस has come from his side. So yeah, काफी अच्छे डिस्काउंट भी मिलता है उनसे. So अगर आप ट्राई करना चाहते हैं, you can try with ordering comic books of small quantity from him. And then if you think that the deals are going good, you should move forward with orders of my kind. I mean this huge, bulky, chunky orders. So yeah, there is that. ये था दोस्तों the final head. एक नागा कॉमिक बुक बेस्ड ऑन अ नागा फोक टेल बाय एलिसन अबोनमाई. आई डोंट नो इफ आई प्रोनाउंस दैट राइट. सो ये मैं काफी टाइम से ढूंढ रहा था इसको एंड फाइनली आई गॉट दिस. एक इंडियन कॉमिक बुक है एज फार एज आई एम कंसर्न, बिकॉज या नागा कॉमिक है सो इट इज फ्रॉम नागालैंड. सो इट इज दैट. नेक्स्ट, अनदर इंडियन कॉमिक. वेरी फ्यू ऑफ यू पीपल मस्ट बी नोइंग अबाउट नाइट उल्फ. ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट में अवेयरनेस कैंपेन के हिसाब से इस कॉमिक को पब्लिश किया गया था. बहुत ही अच्छा आर्टवर्क है इसमें, काफी एक्शन पैक्ड है. बट या मैं अभी तक इसे पढ़ा नहीं हूँ, सो इट इज गोइंग टू बी अ फर्स्ट टाइम. इसका एक सेकेंड इशू भी आने वाला था एज फार एज आई एम कंसर्न, बट कभी आया नहीं. ये रहा कुछ एक्शन पैक्ड सिक्वेंसेस. सो या टू बी कंटिन्यूड. नेक्स्ट, Way of the Warrior, The Legend of Abhimanyu, Penguin Random House का एक कॉमिक बुक स्टोरी बाय सौरभ महापात्रा, आर्ट बाय विनय ब्राह्मणिया. कुछ इनसाइड पेजेस. महाभारत के ऊपर बेस्ड एक और कॉमिक बुक या ग्राफिक नॉवेल इन दिस केस फ्रॉम पेंगुइन रैंडम हाउस. नेक्स्ट, सम इंडियन कॉमिक बुक्स बेस्ड ऑन इंडियन मूवीज, आई मीन बॉलीवुड मूवीज. सो ये रहा रोमियो एंड इसके ऊपर भी एक मूवी बना था. एंड एज फार एज आई कैन रिमेम्बर रोमियो का जो वॉइस ओवर किया गया था, द आर्टिस्ट वॉज सैफ अली खान एंड इट वॉज क्वाइट एन एंटरटेनिंग मूवी. सो उसी पर बेस्ड है ये कॉमिक बुक. काफी बढ़िया है इसका आर्टवर्क, कार्टूनी है, फंकी है, ऑसम. नेक्स्ट, जम्बो. इसका भी एक आई थिंक मूवी या कार्टून शो कुछ आया था फीचरिंग अक्षय कुमार. सो या गाइस, ऐसे ढेर सारे इंडियन कॉमिक बुक्स जिसके बारे में शायद आपको पता भी नहीं था कि एग्जिस्ट करता है अभी कि नहीं. सो ये सारे चीज नियो कॉमिक्स पर कवर होता रहेगा. सो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं देन हु आर यू फूलिंग. अभी कभी इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड या आई होप कि फ्यूचर में आपसे ऐसा कोई वीडियोस मिस ना हो जाए, बिकॉज सम ऑफ द बुक्स दैट आई एम शोइंग यू और आई एम अबाउट टू शो यू आर अ रियल ट्रीट
टू द आईज। सो ये था दो हनुमान कॉमिक्स, एंड इससे पहले भी जो दो मूवी बेस्ड कॉमिक्स का मैं आपको रिव्यू या ओवरव्यू दिखाया, सो दोज आर फ्रॉम जूनियर डायमंड। सो या नेक्स्ट सम कैंपफायर ग्राफिक नॉवेल्स, द टेम्पेस्ट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, एडेप्टेड एंड इलस्ट्रेटेड बाय अमित दयाल एंड मणिकंदन। सो या इज दैट, काफी बेहतरीन आर्टवर्क है एज यूजुअल। कैंपफायर ग्राफिक नॉवेल यू नो यूजुअली गिव्स अस गुड आर्टवर्क एंड क्वालिटी कॉमिक बुक्स। नेक्स्ट मार्टिन लूथर किंग जूनियर, लेट फ्रीडम रिंग, इलस्ट्रेटेड बाय नरेश कुमार, एंड हियर आर द राइटर्स। लेट्स हैव अ लुक इनसाइड, बढ़िया आर्टवर्क। नेक्स्ट गांधी, माय लाइफ इज माय मैसेज, अ ग्राफिक नॉवल रिटन बाय जेसन क्वीन, आर्ट बाय सचिन नागर, वन ऑफ माय फेवरेट आर्टिस्ट्स। काफी बेहतरीन आर्टवर्क है दोस्तों। क्वालिटी भी बहुत ही बढ़िया है एंड आई थैंकफुली गॉट देम इन अनडैमेज्ड कंडीशन। नेक्स्ट एक फैंटम का कॉमिक बुक इशू 1 है, ये बहुत ही बढ़िया आर्टवर्क है, ऑसम। ये रहा कुछ वेरिएंट कवर्स, एंड द स्टोरी इज टू बी कंटिन्यूड। नेक्स्ट एक्समैन इशू 1, एंड देर इज अ स्पेशलिटी रिगार्डिंग दिस, दैट इज दिस फ्लिप कवर। सो टोटल 4 कवर्स को एक साथ यू नो ऐसे मर्ज किया गया है, एंड इट लुक्स समथिंग लाइक दिस व्हेन यू पुट देम ऑल टुगेदर। सो इट्स अ बिग पिक्चर, एंड एज दिस इज अ इशू 1, सो ऑलरेडी ये काफी वैल्यूएबल है एज यू कैन सी। एंड जिम ली इज द आर्टिस्ट इट सीम्स, सो देयर इज दैट। लेट्स फ्लिप अ कपल ऑफ पेजेस। ओल्ड स्कूल कलरिंग बट आर्ट स्टाइल इज टॉप नॉच। नेक्स्ट शैडो हॉक इशू 3, 4 and 2। सो इशू नंबर 1 ऑलरेडी मेरे पास है, इट्स अ फॉइल कवर, एक इमेज कॉमिक्स का पेशकश है ये, एंड मेरा जो इमेज कॉमिक्स कलेक्शन के ऊपर वीडियो है या फिर इमेज कॉमिक्स के ऊपर जो वीडियोस है उनमें आपको शैडो हॉक का जिक्र मिल जाएगा दोस्तों। सो आई हाईली सजेस्ट टू चेक दैट आउट। इशू 2, इशू 3, मॉन्स्टर, इशू 4 फीचरिंग सैवेज ड्रैगन एज वेल, ऑसम। एक और इमेज कॉमिक्स उसके बाद जो है रिपक्लॉ, और रिपक्लॉ का ये एक स्पेशल इशू है, बेहतरीन आर्टवर्क। इट एंड्स, यानी कि एक वन शॉट है ये थैंकफुली। नेक्स्ट अ डीसी ट्रेड पेपरबैक शज़ाम ओरिजिंस, रिटन बाय जेफ जॉन्स, आर्ट बाय गैरी फ्रैंक, एंड ये है वो कॉमिक बुक सीरीज जिसके ऊपर बेस करके शज़ाम का मूवी बना था। सो जब इस सीरीज को ट्रेड पेपरबैक में लाया गया इट वेंट आउट ऑफ स्टॉक, सो इसको रिप्रिंट में लाया गया, एंड रिप्रिंट के दौरान फ्रंट कवर में ये जो शज़ाम का मूवी वाला पोस्टर है उसको रखा गया, सो दैट पीपल कैन रिलेट इट टू द मूवी एंड अंडरस्टैंड कि ये है उस मूवी का सोर्स मटेरियल। यहां पर लिखा भी है सी द मेजर मोशन पिक्चर शज़ाम।
सो जेफ जॉन्स और गैरी फ्रैंक का कॉम्बिनेशन बहुत ही दमदार है. एंड यू कैन लुक एट हाउ ब्यूटिफुल दिस आर्टवर्क लुक्स. एक कवर वर्दी या पिनअप वर्दी आर्टवर्क है जो आपको इनसाइड पेजेस में मिल रहा है दोस्तों. एंड दैट इज वाई डीसी इज डीसी एंड मार्वल इज मार्वल फॉर अ रीजन, बिकॉज दे फोकस ऑन द स्टोरी एंड आर्टवर्क सो मच. Awesome. यह है ब्लैक एडम का एक कंसेप्ट आर्ट. सो काफी सारे एक्स्ट्रास भी हैं जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों. नेक्स्ट विमानी का कॉमिक्स का शिवा बुक वन एंड बुक टू. सो ये थोड़ा हालत खराब है इसका. एज आई सेड सम ऑफ द बुक्स इन दिस ऑर्डर आर सेकेंड हैंड, सो ये सारे डैमेजेस आपको मिलेगा. हेमंत कुमार का आर्टवर्क, वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड कॉमिक बुक आर्टिस्ट फ्रॉम इंडिया, वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट विद अ वेरी डायनामिक आर्ट स्टाइल. सो ये रहा बुक टू. इसका बुक थ्री भी आई गेस लॉन्च हो चुका है एंड बुक फोर इज इन मेकिंग आई गेस. आप में से जिनको कंफर्म न्यूज पता है यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. सो ये गया विमानिका. देन वी हैव सम निहोडो मीडिया या लेवल 10 कॉमिक बुक्स जो जंप मैगजीन रिलीज करते थे. सो टोटल आई थिंक 8-10 जंप मैगजीन्स है एंड आई हैव 3 ऑफ देम राइट नाउ विथ मी. ये एक एंथोलॉजी टाइप का यू नो सीरीज है, मंथली बेसिस पर निकलता था बट इट डिड नॉट गेट द एप्रिशिएशन एंड द लव इट डिजर्व्ड. सो अनफॉर्चुनेटली इस पूरा प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज इट वॉज नॉट यील्डिंग द रिटर्न्स इट शुड हैव यील्डेड. सो ये आई थिंक रावस इंसिडेंट का कुछ पेजेस हैं. या हियर वी गो द रावस इंसिडेंट. These are the pages of Northern Song. So ऐसे ढेर सारे you know छोटे मोटे comics या फिर series को anthology के रूप में publish करते थे Level 10, जो कि अब Nihodo Media में convert हुए हैं. And here is a special anniversary issue. बाटू गार्डन का कुछ पेजेस है यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं. बाटू गार्डन का रिव्यू आपको इस चैनल पर मिल जाएगा दोस्तों. नियो कॉमिक्स में आपको क्या कुछ नहीं मिलेगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इतना वैरायटी कंटेंट इतने सारे इंडियन कॉमिक बुक पब्लिशर्स को शायद ही कोई इंडियन यूट्यूबर कवर किया हो जितना नियो कॉमिक्स में कवर किया जाता है. सो यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं यू विल बी गेटिंग नथिंग बट क्वालिटी कंटेंट. सो या दैट वॉज जंप मैगजीन. ये रहा कुछ और इंडियन कॉमिक्स पॉप कल्चर की तरफ से. टिम्पा नाम का एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया था, उसका टोटल 4 कॉमिक्स आया था. ये रहा 2 कॉमिक्स और बाकी का 2 है ये और ये. सो हियर इज ऑपरेशन रेस्क्यू एंड हियर इज रनर्स ऑफ द गोल्डन हॉर्न. थोड़ा टिंटिन टाइप का आर्ट स्टाइल है दोस्तों इसमें. एंड या आई एम कलेक्टिंग ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी इंडियन कॉमिक्स पोस्ट 2000s. सो इतना तो बनता था. सो टिम्पा को भी इस कलेक्शन में शामिल करना बनता था और हम कर लिए. सो गाइस बेसिकली यही था आज की अनबॉक्सिंग और ओवरव्यू. आई नो फॉर श्योर कि आपको आज का ये वीडियो काफी बेहतरीन लगा है. सो देर किस बात की दोस्तों, कीजिए इसे लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब. मिलता हूं मैं आप सबसे अगले वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.